हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो को तो देखना ज़रूर, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि SOS कॉल क्या है, यानी कि सोर्स कॉल क्या है, और एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, मेडिकल एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, ये सब एंड्रॉयड की कुछ सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो ये सेटिंग्स जो हैं, ये ऐसे ब्लाइंड पर्सन तो हमें ऑन ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो कई बार कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें अपने गार्डियन को बुलाने के लिए, अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए हम इन एमरजेंसी सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की हेल्प पाने के लिए किसी से हम इन एमरजेंसी सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एमरजेंसी सेटिंग्स हैं, ये आपको एंड्रॉयड 12 की डिवाइसेस में मिल जाएंगी, चाहे आपका कोई भी डिवाइस हो, वीवो, ओप्पो, रेडमी या कोई भी डिवाइस हो, उसमें यदि एंड्रॉयड 12 सपोर्टेड है तो आपको ये एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन वाली सेटिंग मिल जाएगी। बाई चांस यदि कई बार हमारे साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिस कारण लोग कई बार बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे समय में ये सेटिंग्स बहुत काम आएंगी। और एक ही क्लिक में यदि आपका फ़ोन किसी को मिलता है और आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रखी है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसमें आपने यदि ऐड कर रखे होते हैं, तो वो आप यदि ऐसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में आप किसी को, यदि मान लीजिए आपके कोई हेल्प करने के लिए नहीं हो और आपका फ़ोन किसी को मिलता है, तो वो व्यक्ति भी बिना आपका फ़ोन को अनलॉक किए हुए आपके हेल्पर को या किसी को भी, पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं इस सेटिंग्स की सहायता से। चलिए डिटेल में जानते हैं इन सेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम सेटिंग्स में चलेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छा ना लगे या फिर कोई कंटेंट आपको समझ ना आता हो तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स हमारे अबाउट पेज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारा एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज की इस इंफॉर्मेटिव एंड सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं टॉकबैक की साउंड को बढ़ा लेता हूं और स्क्रीन को पहले शो कर देते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे हमें Android 12 का वर्जन है। मैं Vivo Y20 डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, उसमें आप Safety and digital with Google accounts system about phone digital safety shortcuts and access safety and emergency emergency source medical info alerts safety and emergency shortcut safety and emergency emergency source medical info alerts safety information medical information source and alerts इनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया, जैसा कि ये एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन एमरजेंसी के टाइम आपके हेल्पर को इजीली बुलाने में सहायता करता है, बिना विदाउट आपके फ़ोन को स्क्रीन को लॉक किए हुए, मतलब विदाउट अनलॉक किए हुए, चाहे आपने पासवर्ड भी लगा रखा हो। और दूसरी बात, जैसे कि कोई दुर्घटना घट जाती है तब ये सेटिंग हमारे बहुत काम आती है। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। Emergency information enlisted. Emergency source. Emergency location service on.
इमरजेंसी लोकेशन सर्विस। तो हम सबसे पहले इमरजेंसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इसमें क्लिक करते हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, अपना नाम ऐड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है और आपका फ़ोन किसी को मिलता है और आप बताने में असमर्थ हैं कि आप कौन हैं या मतलब आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को आप अपने डिवाइस के जरिए बता सकते हैं। नेम यहाँ मेरा नाम ऐड कर, एड्रेस यहाँ पे ऐड कर, ब्लड ऑर्गन डोनेट या आपने कोई ऑर्गन डोनेट तो नहीं कर रखा है इसके बारे में, और मेडिकल नोट्स यदि आप ब्लाइंड पर्सन है तो ये लिख दीजिएगा बाय बर्थ ब्लाइंड पर्सन। Add information. Tap emergency contacts. Add information. Medical name. Address. Flat name. तो नेम में आपको अपना नाम लिखना है address, flat. और एड्रेस आप जहाँ रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए यदि कोई दुर्घटना में आप बताने में असमर्थ हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं या एड्रेस, तो सामने वाले व्यक्ति आपको एड्रेस देख के जो इमरजेंसी बटन आता है पासवर्ड को विदाउट लॉक किए, उस इमरजेंसी बटन से जाके आपकी इंफॉर्मेशन को देखकर आपकी हेल्प ब्लड टाइप। यदि कोई आपको ब्लड की आवश्यकता होती है, कई बार कुछ दुर्घटना में कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह में जो हमारे ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड की आवश्यकता होने पर हम ब्लड ग्रुप डालते हैं, जिससे कि यदि कोई ब्लड डोनेटर हो तो वह हमें ब्लड डोनेट कर सके। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को वो कोई भी व्यक्ति आपके डिवाइस को अनलॉक करने से पहले इमरजेंसी बटन में जाकर देख सकते हैं। अपने सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता हूँ। So guys, मैं अपने पहले सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। So guys, हमने अभी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम यदि आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप इजीली अपने डिवाइस के जरिए ये सब कर सकते हैं। नहीं, हमारा पहले से ही आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम जो अकाउंट डिवाइस में ऐड करते हैं तो उसमें जो 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 आपका नाम होगा, यूजर नेम होगा, उसके हिसाब से आपका नेम आ जाएगा। तो ऐड इंफॉर्मेशन में हमने क्लिक करना है, अपना फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे कि अपने फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल टैप करके टेक ए फोटो कर सकते हैं और चूज एन इमेज कर सकते हैं। तो यहाँ से चूज एन इमेज से आप कैमरा से इमेजेस क्लिक कर सकते हैं, मतलब कैमरा से इलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक ए फोटो से आप इमेज अपनी क्लिक कर सकते हैं। निकनेम अपना डाल सकते हैं, अपना नाम। यहाँ से ओके करेंगे, एड्रेस यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पंजाब डाल देता हूँ। जैसे आपका पूरा एड्रेस जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा। ब्लड टाइप अपना, जैसे आपका जो ब्लड ग्रुप हो वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो ये सभी ब्लड ग्रुप हैं। प्लस का मतलब पॉजिटिव है और माइनस का मतलब तो मैं यहाँ बी प्लस सिलेक्ट कर लेता हूँ। एलर्जीज, यदि आपको कोई एलर्जी हो बॉडी में
जैसे इमरजेंसी के टाइम ये सब भी आवश्यकता पड़ती हैं, जब कुछ बॉडी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आ जाती हैं तो ये सब भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से अपनी एलर्जी, यदि आपको कोई एलर्जी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं एडिट बॉक्स में। आपको यदि कोई मेडिकेशंस हो तो उसके रिलेटेड भी आप एडिट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑर्गन डोनर हैं मतलब कोई अपने बॉडी का ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। जैसे no. हम नो कर देते हैं। मेडिकल नोट्स, तो आपके बारे में मेडिकल जानकारी जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओनली ब्लाइंड पर्सन डाल देता हूँ। तो जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपकी मेडिकल रिलेटेड नोट्स होंगे या इन्फॉर्मेशन होंगे। तो गाइज इसमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन में इतना था, फिर हम दिखाएंगे कि कोई पर्सन आपको कैसे मेडिकल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं इमरजेंसी पर्सन से जाके। सबसे पहले हम और ऑप्शंस को अब ऐड कॉन्टैक्ट से जाके आप उन लोगों के कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए कहीं, यदि आप अकेले हों और कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय में आपको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, उन कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो मैंने एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ से ऐड कॉन्टैक्ट से जाकर और भी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिन जो आपके हेल्पर होंगे, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने दो तीन कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे दो तीन कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर दिए। Adding medical information and emergency contacts can help first responders in an emergency. Anyone can read this information from your lock screen and dial your contacts by tapping their names without unlocking your phone. So guys, ये आपको बताया जा रहा है कि हर कोई जो अपने emergency के समय आपके इन information को देख सकता है और without unlocking your screen आपको, मतलब विदाउट अनलॉकिंग स्क्रीन आपको हेल्प करने के लिए इन सभी कॉन्टैक्ट्स को इजीली कॉल कर सकते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं इस सेंटेंस को, जिससे कि आप इस सेंटेंस के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें और इस सेटिंग के बारे में भी अच्छे तरीके से जान सकें। हमने इस सेंटेंस को कॉपी किया। अब हम ट्रांसलेट में चल के आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बताते हैं। Speak trans
चिकित्सा जानकारी और आपातकालीन संपर्क जोड़ने से आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले उत्तर देने वालों की मदद की जा सकती है। कोई भी आपकी लॉक स्क्रीन से इस जानकारी को पढ़ सकता है और आपके फोन को अनलॉक किए बिना उनके नाम टैप करके आपके संपर्कों को डायल कर सकता है। ओके गाइस, तो आप जान गए होंगे इस सेटिंग के बारे में कि ये सेटिंग क्या काम करता है। हम आपको दोबारा पढ़ के सुना देते हैं। चिकित्सा जानकारी और आपातकालीन संपर्क जोड़ने से आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले उत्तर देने वालों की मदद की जा सकती है। कोई भी आपकी लॉक स्क्रीन से इस जानकारी को पढ़ सकता है और आपके फोन को अनलॉक किए बिना उनके नाम टैप करके आपके संपर्कों को डायल कर सकता है। सो गाइस, कोई भी आपके इमरजेंसी के समय हेल्प करने के लिए लॉक स्क्रीन से ही आपके हेल्पर को इजीली कॉल कर सकता है। मेनली यही सेटिंग इसी चीज के लिए बनाई गई है। और गाइस, इस सेटिंग्स में बस इतना ही था। अब हम चलते हैं, डिवाइस को लॉक करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इमरजेंसी में जाकर देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके इमरजेंसी के समय किस तरह से मेडिकल इंफॉर्मेशन या फिर आपके कॉल्स कॉन्टैक्ट्स को इजीली कॉल कैसे कर सकते हैं। डिवाइस लॉक स्क्रीन सेट प्रीमियम फोन यूज योर फिंगरप्रिंट टू एंटर योर पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड मांगा जा रहा है। इमरजेंसी, हम इमरजेंसी पे क्लिक करेंगे। इमरजेंट डिलीट बटन, इमरजेंसी, इमरजेंसी इन्फो, इमरजेंसी इन्फो में जाएंगे। कोई व्यक्ति भी आपको हेल्प करने के लिए ये इमरजेंसी इन्फो में ही क्लिक करेंगे। इन्फो, इमरजेंसी, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, एडिट इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है जो हमने ऐड की थी मेडिकल इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे हमें दो टैब दिखाए जा रहे हैं, जैसे यदि कॉन्टैक्ट में जाकर किसी भी आपके हेल्पर को कॉल कर सकते हैं कोई, और इन्फो में जाकर आपके मेडिकल इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। यदि हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या आ जाती है तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। Address, Punjab, enlisted, blood type, B plus, organ donor, no, medical notes, blind person. So guys, ये हमारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाई थी। वही मेडिकल इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति इजीली आपको हेल्प करने के लिए देख सकते हैं। और गाइस, ये सब हमने विदाउट अनलॉकिंग, मतलब अपने फोन को विदाउट अनलॉक के दिखाया है। अब जो जो कॉन्टैक्ट्स आपको आपने ऐड किए होंगे, तो अपने हेल्पर के ऐड किए होंगे, वो कॉन्टैक्ट्स में जाकर इजीली कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, ये सब हमने दो कॉन्टैक्ट्स ऐड किए थे, वो कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे और वो व्यक्ति इन कॉन्टैक्ट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे हेल्प करने के लिए, तो वो इजीली आपको कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं। जैसे हम तो उस क्लिक करते ही कॉल रिडायरेक्ट हो जाएगी। अब हम डिवाइस को अनलॉक करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए ये थोड़ा समस्या कर और गाइस, एक सेटिंग और भी है इसमें इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन में, हम चलिए आपको बताते हैं। So guys, ये है सेटिंग इमरजेंसी सोर्स SOS, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इमरजेंसी सोर्स, सोर्स कॉल, ये हमारा डिफॉल्ट ऑफ रहता है। When you encounter an emergency, you can press the power button 3 times to call 112. So guys, आप जानते होंगे कि 112 एक इंडिया का फोन नंबर है जो कि इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। यदि इमरजेंसी के लिए आपके कोई हेल्पर नहीं होते हैं तो 112 नंबर पे
आप इमरजेंसी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी में मतलब हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इसको ऑन करते हैं, सोर्स कोड को ऑन करते हैं, तो आपका डिवाइस जैसा ही लॉक होगा और 3 times पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यही था सोर्स कॉल। When you encounter an emergency, you can press the power button 3 times to call 112 and lit. Simple. So guys, यही था emergency information. आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इस emergency information में हमें अपने information को add करके ही रखना चाहिए, जिससे कि यदि कोई भी समस्या आती है या कुछ भी घटना होती है तो इमरजेंसी के समय हेल्प प्राप्त कर सकें। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन को जान सकें। और भी एंड्रॉयड डिवाइस में कई तरह के फीचर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हम लोगों को इस तरह के, जिससे कि हम हर तरह की हेल्प को प्राप्त कर सकें, हर तरह की ज़रूरी आवश्यकताओं को सिक्योरिटी के रिलेटेड भी फीचर हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं ये एंड्रॉयड वर्जन्स जो अपग्रेड होते हैं। ये फिलहाल तो एंड्रॉयड 12 के डिवाइसेज में आपको सेटिंग मिलेगा, पर धीरे धीरे ये बाकी डिवाइसेज में भी आने लगेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 13.